जब पैदा होते ही बदल दी गई थी रानी मुखर्जी। जी हाँ, रानी मुखर्जी बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा है जिनका काम और जिनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार होती है कि सिनेमा हॉल से निकलने के बाद भी ऑडियंस उनकी परफॉर्मेंस को भूल नहीं पाते। लेकिन ये बेहद कम लोग जानते हैं कि रानी मुखर्जी के पैदा होने की स्टोरी भी बड़ी फिल्मी है। दरअसल जब रानी मुखर्जी पैदा हुई थी तो अस्पताल की लापरवाही की वजह से वो दूसरे बच्चे के साथ बदल दी गई थी। लेकिन भला हो रानी मुखर्जी की माँ कृष्णा मुखर्जी का, जिन्होंने अपनी बच्ची को पहचाना और फिर अपनी बच्ची को वापस ले आई। हमारे हाथ हाल ही में रानी मुखर्जी का एक ओल्ड इंटरव्यू लगा जिसमें उन्होंने ये शॉकिंग बात कही। इस पूरे इंसिडेंट को बताते हुए रानी एक्सप्लेन करती हैं, ऐसा हुआ कि जब अस्पताल में बच्चे पैदा होते हैं तो सभी को टैग दिया जाता है, लेकिन हुआ ये कि टैग पहनाने के तुरंत ही बाद नर्स मुझे किसी काम से बाहर ले गई। लेकिन जब वो वापस लौट और उन्होंने मेरी माँ को बच्चा सौंपा तो मेरी माँ उस वक्त मेरे एक अंकल से बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बच्चे पर पड़ी वो चिल्ला उठी कि यह मेरा बच्चा नहीं है। माँ को देखकर मेरे अंकल भी काफी शॉक हो गए। जब इंटरव्यूअर ने रानी से ये पूछा कि आखिर उनकी माँ इतनी श्योर कैसे थी, तो रानी ने कहा, मेरे आई कलर की वजह से। मेरी माँ को पता था कि मेरा आई कलर काफी लाइट है, जिस वजह से वो मुझे पहचान गई थी। जैसे ही उन्हें वो बच्चा सौंपा गया उन्होंने कहा कि वो उनका बच्चा नहीं था और उन्हें उनका बच्चा वापस चाहिए। काफी ज्यादा उथल पुथल के बाद फाइनली ये पता चला कि आखिर मुझे कहाँ रखा गया था। वो एक सरदार जी का कमरा था जिनकी ऑलरेडी 6 बेटियां थी और ये उनकी 7वीं बेटी थी। लेकिन जब मेरी माँ ने सरदार जी से मुझे वापस मांगा तो उन्होंने मुझे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। सरदार जी बिल्कुल नहीं माने, लेकिन वो तो भला हो कि उनके बच्चे पर टैग लगा हुआ था और मुझ पर भी एक टैग लगा हुआ था जिस पर मेरी माँ का नाम था। इसी के साथ गलतफहमी दूर हुई और मुझे मेरी माँ को सौंप दिया गया। श्योरली रानी मुखर्जी के पैदा होने की कहानी काफी फिल्मी है। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।